नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 8 इन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख, युद्ध का जिक्र करेंगे। रूस यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। युद्ध में आज बात यूक्रेन के 200 अड्डों की और उन पर तानी जा चुकी 1000 मिसाइल की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगस्त में 1000 मिसाइल लॉन्च करने का टारगेट सेट कर दिया है और इस बार उनका सबसे बड़ा निशाना यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की बन सकते हैं। चौबीस घंटों में रूस यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। 24 घंटों के अंदर रूस ने यूक्रेन में इतनी बड़ी तबाही करने का मन बना लिया है कि ज़ेलेंस्की पछताएंगे। 24 घंटों के दौरान रूस के खुफिया मिशन की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, यूक्रेन की फौज के पास खुद को बचाने का वक्त खत्म हो जाएगा। ये रूस का दावा है, ये पुतिन का दावा है, ये पुतिन के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दावा है। क्योंकि शोइगु ने रूस के 100 जनरलों के साथ ऐसी मीटिंग की है। इस मीटिंग में मास्को के अलावा यूक्रेन में बैठे 50 मोर्चों के जनरल ऑनलाइन जुड़े। सबने अपनी बात बताई, सबको पुतिन का एजेंडा बताया गया और फिर जो बातें इस मीटिंग से बाहर निकली उनके बिग पॉइंट यूक्रेन को बहुत डराने वाले हैं। ज़ेलेंस्की को पुतिन के रक्षा मंत्री की इस मीटिंग का रिजल्ट पता चलेगा तो मुमकिन है कि वो अपनी राजधानी कीव को छोड़कर कहीं और पनाह लेने को मजबूर हो जाएं। रूस के हमलों की गंभीरता समझनी है तो शोइगु का ऑर्डर देखिए। पुतिन के कहने पर जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई उसमें सर्गेई शोइगु के सामने रूस की सेना के 100 बड़े जनरल हाजिर हुए। इस मीटिंग में 50 जनरल यूक्रेन में तैनात हैं और उन्होंने यूक्रेन में चल रहे स्पेशल ऑपरेशन की रिपोर्ट ऑनलाइन दी। पुतिन की तरफ से इन 50 जनरलों को यूक्रेन के 200 ठिकानों पर अब तक के सबसे बड़े हमले लॉन्च करने का ऑर्डर मिला है। यानी एक जनरल को अब 4 ठिकानों पर बमबारी करनी है या वहां कमांडो ऑपरेशन चलाना है। В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим. अब सवाल है कि जब शोइगु ने रूस के टॉप लेवल के जनरलों की मीटिंग ली तो उसमें पुतिन के आर्मी चीफ वलेरी गेरासिमोव कहां गायब थे? तो उसका जवाब ज़ापोरिज़्या से आए इस वीडियो में है जिसमें रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वलेरी गेरासिमोव अचानक उस कमांड सेंटर पर पहुंचे जो यूक्रेन के हमेशा टारगेट पर रहता है। जनरल गेरासिमोव को ज़ापोरिज़्या के मोर्चे के बारे में बहुत बारीक बारीक बातें बताई गई। ज़ापोरिज़्या में कमजोर फ्रंट कौन सा है और रूस की फौज कहां मजबूती से तैनात है, उनको ये सब बातें ज़ापोरिज़्या रीजन के कमांडर कर्नल जनरल अलेक्जेंडर रोमानचुक ने बताई। जनरल गेरासिमोव को मैप पर वो लोकेशन दिखाई गई जहां ज़ेलेंस्की की सेना काउंटर अटैक की कोशिश करती रही है लेकिन उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। अपनी टीम से रिपोर्ट लेकर गेरासिमोव ने फौरन पुतिन को फोन किया और उन्हें ज़ापोरिज़्या के बारे में अपडेट कर दिया, यानी रूस को कितना नुकसान हुआ है और यूक्रेन को कितने बड़े झटके दिए गए हैं। इसके बाद जनरल गेरासिमोव एक स्पेशल हेलीकॉप्टर MI-17V5 के जरिए कमांड हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ चले। इस हेलीकॉप्टर को गनशिप के साथ लैस किया गया था ताकि ग्राउंड से अटैक की हालत में फौरन रॉकेट दागे जा सके। बात साफ है कि रूस के जनरल ने अब खुद ज़ापोरिज़्या की जिम्मेदारी संभाल ली है। ज़ापोरिज़्या के इलाके से यूक्रेन की फोर्स का पूरी तरह सफाया अब पुतिन का एजेंडा है। यही वजह है कि खुद रूस के आर्मी चीफ को यहां भेजा गया। कहा जा सकता है कि यूक्रेन में चल रहे ऑपरेशन को पुतिन ने बहुत मजबूती से अपने हाथ में लिया हुआ है और क्रेमलिन तक पल पल की जानकारी पहुंचाई जा रही है। 2 дня, 26-27 июля,
В районе населенного пункта Работин уничтожено более 400 украинских военнослужащих, 31 танк. Из них 3 немецких «Леопарда», 2 французских, а также 32 боевые бронированные машины. В общей сложности 63 единицы бронетехники. पुतिन के हमलों की तीव्रता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन में तैनात हर जनरल अब 4 ठिकानों पर बम बरसाएगा। इस तरह अगस्त में 200 ठिकानों को टारगेट करने की तैयारी है। यानी पुतिन रोज कम से कम 6 से 7 अड्डों को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, जो जेलेंस्की के लिए वाकई बहुत घबराने की बात है। पुतिन ने जो टारगेट सेट किया है उसे जेलेंस्की और उनकी सेना को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा, और इसके लिए जुलाई के महीने में यूक्रेन पर हुए हमले बड़ी वजह कहे जा सकते हैं। जुलाई में यूक्रेन में बहुत ज्यादा मिसाइल दागी गई हैं। यूक्रेन का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जिसको निशाना बनाकर पुतिन ने मिसाइल लॉन्च न की हो। इसमें कीव से लेकर खार्किव और ओदेसा से लेकर ज़ापोरिज़्या तक शामिल है। जुलाई के महीने में यूक्रेन की सेना को बहुत बड़ी तबाही देखनी पड़ी, ये दावा पुतिन के रक्षा मंत्री का है। रूस के मुताबिक जुलाई में ही यूक्रेन के करीब 21,000 सैनिकों को मार गिराया गया। इसके अलावा 2,250 बड़े हथियार खत्म कर दिए गए। इनमें 10 लेपर्ड टैंक शामिल हैं। इसमें 11 ब्रैंडले बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। इनमें 40 M777 तोप समेत 90 आर्टिलरी सिस्टम शामिल हैं। ये वो हथियार हैं जो यूक्रेन को नेटो से मिले थे। ये हथियार देने वाले देशों में ब्रिटेन शामिल है, अमेरिका शामिल है, पोलैंड और जर्मनी के अलावा फ्रांस के हथियार भी हैं जो पुतिन ने पूरी तरह खत्म कर दिए। खार्किव में हुई बमबारी के बाद की तस्वीरें देखिए। यहाँ ड्रोन से एक खाली इमारत पर हमला किया गया, जबकि 3 और ड्रोन स्पोर्ट्स फैसिलिटी पर बम बनकर गिरे। रूस का दावा है कि यूक्रेन ऐसे ठिकानों को मिलिट्री ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, जबकि यूक्रेन इसे आम नागरिकों के ठिकानों पर बमबारी बताता है। Украина отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке. सरगेई शोइगु साफ साफ बता रहे हैं कि काउंटर अटैक फेल हो चुका है, लेकिन जेलेंस्की का दावा अलग है। उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि काउंटर अटैक कामयाब हो रहा है और पुतिन की सेना इससे घबराई हुई है। Зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше. Поступова війна повертається на територію Росії до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими. जेलेंस्की का दावा देख लिया, अब पुतिन का प्रैक्टिकल देखने की बारी है। पुतिन ने ओदेसा हमले के दौरान अपनी इस मिसाइल का बहुत ही खास वीडियो बनाया और फिर पूरी दुनिया में वायरल कर दिया। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, कैमरा 5, कुल मिलाकर 10 कैमरों से इस मिसाइल लॉन्च का स्पेशल वीडियो बनाया गया। ये पुतिन की वो मिसाइल है जिसने 10 हफ्ते तक लगातार जेलेंस्की की नींद उड़ाकर रख दी। ये वो मिसाइल है जिसकी वजह से यूक्रेन के लोगों ने रात में सोना बंद कर दिया है। ये वो मिसाइल है जिसके हमले का मतलब है 100% मौत, और ये गारंटी खुद पुतिन दे रहे हैं। पुतिन की सेना दे रही है, पुतिन के जंगी जहाज दे रहे हैं। पुतिन ने एक बहुत बड़ा मिशन शुरू कर दिया है जिसका नाम है मिशन ओदेसा।
और इसीलिए ये मिसाइलें बार बार फायर की जा रही हैं। ये वो मिसाइल है जो जहां गिरती है वहां की तबाही देखकर दिल बैठने लगता है। ये मिसाइल जहां गिरती है वहां कोई जिंदा नहीं बचता, कुछ सलामत नहीं रहता, हर तरफ आग होती है, मलबे से लाशें निकाली जाती हैं, बची खुची इमारतें खंडहर बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये पुतिन का गुस्सा है जो जेलेंस्की के काउंटर अटैक पर निकल रहा है, और इसमें पुतिन नेटो को भी बराबर गुनहगार मानते हैं। Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти. Чахе Москву пар дрон атак хо, я фир Краймия ме Керч бридж ко бомб дхамаке се уране жесе хамле. Путин не иска форан жаваб дия хе. Каби Одесса ме, то каби Харкив ме. पुतिन ने बता दिया है कि अब वो यूक्रेन की तरफ से ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद पुतिन और ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं और इस बार वो खासकर किसी भी कीमत पर ओडेसा को जीतना चाहते हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, किसी भी हद तक क्यों ना गुजरना पड़े। पुतिन इस बार 100% तैयार है।